उसको चाकू मारकर और भागने लगे सब लोग। उसकी माँ तो मेरे लड़के को पत्थर मार रही थी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। जमीनी विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच चाकू और पत्थरों का संघर्ष हुआ। एक पक्ष का युवक दूसरे पक्ष की दो महिलाओं पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। चाकू से हमले में महिलाओं नीतू केवट और गीता केवट के गाल में चाकू लगा और पत्थर के हमले में प्रतीक केवट को गंभीर चोटें आईं। रांझा केवट ने पूरे मामले में जमीनी विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। विवाद के दौरान पथराव करने वाले लोगों के मौके पर मौजूद देखकर अन्य लोगों ने इस घटना की वीडियोग्राफी कर लिया। गाली देते हुए और पत्थर फेंकते हुए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नीतू केवट की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने रांझा केवट के खिलाफ कल मामला दर्ज कर लिया है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के रुंगाटा तिराहे के पास स्थित जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ था। शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। लोग यहाँ काम कर रहे थे तो लोग आए हैं और फिर गाली गलौज देने लगे और फिर देखते देखते वो मारने लगे। सब लोग झपट गए बिल्कुल। अच्छा। हम लोग छुड़ा ही नहीं पा रहे थे, इतने में चाकू मारकर और भागने लगे सब लोग। नहीं, कौन मारा था चाकू? रांझा केवट। तो और उसकी बीवी भी झपटी थी। अच्छा। हाँ, उसको हम पकड़ रहे थे, उसकी बीवी को, उसको, उसकी माँ भी थी। उसकी माँ तो मेरे लड़के को पत्थर मार रही थी। अच्छा। और उसका बाप भी खड़ा था, उसका लड़का था, उसका भाई था, सब लोग थे। वो लोग बहुत लोग थे, हम लोग तीन चार लोग थे। तो हम लोग कहाँ छुड़ा पाते, इतने में चाकू मार कर चले गए। किसको किसको चाकू मारने आया था? नीतू को मारे और गीता को मारे, दो जन को मारे। गीता कौन? वो भी मेरी ननद है। अच्छा, उसको भी लगा है चाकू? हाँ, उनको भी लगा है।